के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिड़ै के जिया उदास। काहे के नाम धराले रे दिया लगाले, गइल सुख चैन हमार, काहे बजुरिया बजाले। लुक छिप बदरा में चमके जैसे चनुआ मोरा मूछ दम के, मोरी कुसुमिरे चुनरिया इतर दम के, मोरी कुसुमिरे चुनरिया इतर दम के। अब हम कैसे चले डगरिया लोग वा नजर लगावे राम, अब हम कैसे चले डगरिया लोग वा नजर लगावे। मोरे करजवा में तीर हाराम, मोरे करजवा में तीर हाराम, कैसे भइल रमा कैसे भइल। गंगा मैया तुहे प्यारी चढ़ेबो ऐसी ही एक फिल्म थी जिसका प्रदर्शन पहली बार बनारस के प्रकाश टॉकीज में हुआ था। इस फिल्म से भोजपुरी फिल्मों की बंबई इंडस्ट्री में भी एक शुरुआत हो गई और आज तकरीबन 60 सालों के बाद भी इस फिल्म की मधुरता बरकरार है। आइए आज इसी फिल्म से जुड़ी हुई चंद बातों से आप लोगों को रोशनास करवाते हैं। 1950 की बात है कि जब बंबई में एक फिल्म समारोह आयोजित हुआ था जिसमें उस वक्त के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी भी उपस्थित थे और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है और यकीन करें कि यह बहुत मधुर भाषा है। मैं आप फिल्मकारों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि आप इसकी तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसी समारोह में दूसरी फिल्मी लोगों के दरमियान नज़ीर हुसैन भी थे जिनका ताल्लुक गाजीपुर यूपी से था। उनके दिमाग में ये बात बहुत पहले से चल रही थी और अब तो राजेंद्र प्रकाश जी की बातों ने उनकी सोच को फैसले का रूप दे दिया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी से मुलाकात की और अपने मंसूबे का जिक्र करते हुए कहा कि आप ये समझें जनाब कि हमने आपकी ख्वाहिश पे काम करना शुरू कर दिया। जद्दनबाई यानी नरगिस की माँ जो कि बनारस की थीं और कन्हैयालाल जी उनका ताल्लुक भी बनारस से था, वो लोग काम तो बंबई इंडस्ट्री में कर रहे थे पर कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन और अपनी भाषा के लिए भी कोई फिल्म बनाने की सोच रहे थे, पर उनकी सोच अब तक अधूरी थी और नज़ीर हुसैन साहब ने पहल कर दी। नज़ीर हुसैन साहब ने सिर्फ एक कैरेक्टर आर्टिस्ट का ही काम नहीं किया बल्कि बिमल राय जी के चीफ असिस्टेंट भी थे और एआर कारदार साहब के साथ फिल्मिस्तान में बहसियत लेखक भी जुड़े हुए थे। गांव के माहौल में पले बढ़े होने की वजह से गांव के रंगढंग, गांव की जिंदगी, गांव के माहौल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे और इन्हीं बातों को उन्होंने एक कहानी का रूप दिया। एक ऐसी कहानी जो गांव से जुड़ी थी, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से जुड़ी थी। बड़ी लगन के साथ उन्होंने इसके डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखे और निकल पड़े निर्देशक की तलाश में। पर मसला ये था कि कोई भी भोजपुरी फिल्म में हाथ देने के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी नज़ीर हुसैन साहब कहते थे कि ई फिल्मियाँ चाहे जहिया बनी, बाकी बनी तो भोजपुरी में। विमल राय की फिल्मों में काम करने वाले अदाकार से नज़ीर साहब की दोस्ती थी। जब नज़ीर साहब ने अपनी कहानी उन्हें सुनाई और वादा किया कि फिल्म बनी तो हीरो असीम कुमार होंगे, तो वो भी नज़ीर हुसैन साहब के साथ निर्देशक की तलाश में जुड़ गए। असीम साहब भी बनारस के थे और वो भी चाहते थे कि किसी तरह ये फिल्म बन जाए, पर कोई डायरेक्टर तैयार नहीं था। विमल राय को ये कहानी बहुत पसंद थी और उन्होंने कहा कि मैं इस कहानी पर फिल्म बनाने को तैयार हूँ, बस आप इतना करें कि इसकी भाषा बदल दीजिए और इसे हिंदी में बनाते हैं। भाषा से लगाव रखने वाले नज़ीर हुसैन साहब ने बड़ी नम्रता के साथ उन्हें मना कर दिया। समय बीत रहा था और जिंदगी करवट ले रही थी। एक दिन
अचानक मुंगेर से ताल्लुक रखने वाले बच्चा लाल पटेल नजीर हुसैन साहब से मिलने आए, क्योंकि नजीर साहब की कहानी के चर्चे उन्होंने भी सुन रखे थे। बच्चा लाल फिल्म से जुड़ी चीज़ों, मसलन डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे और बिहार और बंगाल के कई डिस्ट्रीब्यूटर्स से उनकी बड़ी अच्छी जान पहचान थी। उन्हें कहानी पसंद आ गई तो उन्होंने फिल्म की शुरुआत करने का फैसला कर लिया। फैसला तो कर लिया, पर पूरी फिल्म बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस पर यह सितम कि 1961 में अवधी भाषा में बनी गंगा जमुना आ गई, और नितिन बोस की डायरेक्शन में बनी गंगा जमुना, जिसके प्रोड्यूसर थे दिलीप कुमार के भाई नासिर खान और हीरो थे दिलीप कुमार और हीरोइन थी विजयंती माला। इस फिल्म में नजीर हुसैन साहब ने भी एक अहम रोल किया था। फिल्म बहुत कामयाब रही और इस फिल्म की कामयाबी ने एक विश्वास जगा दिया कि अगर उत्तरी भारत की भाषा में फिल्म बनी तो घाटा नहीं होगा। पर इन तमाम बातों के बावजूद बात आगे नहीं बढ़ रही थी कि ऐसे में गिरिडीह के कोयला व्यापारी विश्वनाथ प्रसाद जी, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी के समर्थकों में भी थे और उनसे काफ़ी करीब भी थे, उनसे मिलने गए तो बातचीत के दौरान राजेंद्र बाबू ने बरसों पहले हुई नजीर हुसैन साहब से मुलाकात का जिक्र किया, और बात जब नजीर हुसैन साहब की हुई तो फिर उस फिल्म का भी जिक्र आया और उन्हें अफसोस भी था कि उनकी ख्वाहिश अब तक पूरी नहीं हो सकी। बस उसी वक्त विश्वनाथ प्रसाद शाह आबादी ने यह फैसला कर लिया कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। कुछ दिनों के बाद वो नजीर हुसैन साहब से मिलने बंबई पहुंचे। अब मजे की बात यह कि उनके पास नजीर हुसैन साहब का पता तक नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि नीयत सही हो तो ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, और वही हुआ। नजीर साहब तो इंसान थे, शाहबादी साहब को मिल गए। दादर के प्रीतम होटल के एक कमरे में होने वाली मुलाकात कामयाब रही और वहीं उन्होंने एक प्रतिभाशाली नौजवान कुंदन कुमार को डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंप दी। फिल्म बनाने की तैयारियां शुरू हो गईं। अदाकारों का चुनाव, लोकेशन, टेक्नीशियन, सारे मामलात तय कर लिए गए और फिल्म का बजट 1.5 लाख तय हुआ। लेकिन जब फिल्म मुकम्मल हुई तो ये बजट 5 लाख को भी पार कर चुका था और वक्त 1 साल का गुजर चुका था। आखिरकार 21 फरवरी 1963 को शाहबादी साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को पटना के सदाकत आश्रम में तोहफे के रूप में इसकी पहली कॉपी पेश किया, और 22 फरवरी को इस फिल्म का एक प्रीमियर शो पटना के वीना सिनेमा में रखा गया। लेकिन उसके व्यावसायिक प्रदर्शन की शुरुआत 4 अप्रैल 1963 को बनारस के प्रकाश टॉकीज से हुई। 21 फरवरी से 4 अप्रैल तक राजेंद्र बाबू की बीमारी की वजह से फिल्म को कारोबारी तरीके से नहीं दिखाया जा सका, और बड़े अफसोस की बात है कि 1 मार्च को वो इस फिल्म की पूरी यूनिट से एक प्रोग्राम में मिलना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ठीक एक दिन पहले 28 फरवरी को उनका निधन हो गया। इस पहली भोजपुरी फिल्म ने भारत भर में धूम मचा दी। कुमकुम की मासूम अल्हड़ अदाएं, असीम कुमार की अदाकारी, शैलेंद्र के गीत और चित्रगुप्त के संगीत ने लोगों को दीवाना बना डाला। उस दौर के बड़े बड़े नेताओं ने भी इस फिल्म को खास तौर से देखा, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन लाल जी और सत्यनारायण सिन्हा जी भी शामिल थे। हे गंगा मैया तो हे प्यारी चढ़ेबो एक बेहतरीन सामाजिक फिल्म थी, जिसमें बेमेल विवाह, दहेज, सूदखोरी, विधवा और सामाजिक जिम्मेदारियों को बहुत खूबी से दर्शाया गया था। इस फिल्म के गीत आज भी बहुत ही पॉपुलर हैं। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत फिल्म के खूबसूरत गानों की एक झलक। टूट गईल डालिया, चितर गईल खोतवा, बैठ गई बिसराए।
गंगा मैया तो है पियली चढ़ेबो की कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह हम आपकी खिदमत में आते रहेंगे और कोई ना कोई कहानी पेश करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। आदाब, सलाम, नमस्कार और शुभ रात्रि।